नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि के विषय में। दोस्तों, वर्ष में चार नवरात्रि आती है, दो प्रकट नवरात्रि, दो गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में पड़ती है, प्रकट नवरात्रि आश्विन मास और चैत्र मास में। दोस्तों, प्रकट नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि का भी हमारे धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 10 महाशक्तियों की पूजा अर्चना करते हैं, जिसे 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, हम पूजन अर्चन कैसे करें, जैसे कि जन साधारण लोग, जन सामान्य लोग, हम लोग पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं, क्या अखंड ज्योत, कलश की स्थापना, ज्वारे बोना, ये सारे कार्य बहुत ही आवश्यक है, क्या कन्या पूजन करना आवश्यक है, और सबसे बड़ी बात कि 10 महाविद्याओं की जो पूजा अर्चना हम करते हैं गुप्त नवरात्रि में, तो उनके चित्र और प्रतिमा रखना आवश्यक है, या फिर हम पूजन अर्चन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे आप लोगों के जो भ्रम है वो दूर होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रकट नवरात्रि से भी अधिक ज्यादा फल और अधिक ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हमें होती है गुप्त नवरात्रि में, यदि हम विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि क्या ये साधना केवल तांत्रिक लोगों के लिए है, जो लोग विशेष कर्म कांड करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए क्या गुप्त नवरात्रि में सारे विधि विधान है, हम गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कलश स्थापना करना या ज्वारे बोना, अखंड ज्योत जलाना या फिर कन्या पूजन करना, ये सारी चीजें आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। बात यहाँ पर ये आती है कि गुप्त नवरात्रि में जो भी पूजा अर्चना, जो भी साधना की जाती है, वो गुप्त तरीके से की जाती है। जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये गुप्त नवरात्रि है, तो ऐसे में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है कि यदि हम कलश स्थापना करेंगे, यदि हम कन्या को पूजन के लिए बुलाएंगे, अखंड ज्योत ज्वारे इत्यादि बोएंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों की नजर में आ जाती हैं। और मान लीजिए किसी ने कोई प्रश्न कर दिया, तो उससे क्या होता है, यदि हम कोई संकल्प लेकर या फिर कोई विशेष मनोकामना के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य जो है हमारा पूर्ण नहीं हो पाता है, उसमें बाधा आ जाती है। तो कहने का मतलब, अगर बहुत ही गुप्त तरीके से अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर जहां पर बार बार किसी की नजर ना पड़े, कोई प्रश्न ना करे, ऐसे आप कलश स्थापना कर लेती हैं या फिर कर लेते हैं, अखंड ज्योत जला लेते हैं, ज्वारे इत्यादि बोकर आप ये सारे कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप साधारण तरीके से आप प्रतिदिन पूजन अर्चन करें। हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी भी विशेष मनोकामना के लिए यदि कोई मंत्र जप करते हैं इन गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में, तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पहले आइए बताती हूँ कि आषाढ़ मास 2024 में गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से प्रारंभ होगी और यह 15 जुलाई को समाप्त हो रही है। इस बार ये गुप्त नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की है, इसलिए क्योंकि तृतीया तिथि की वृद्धि है, इस वजह से गुप्त नवरात्रि पूरे 10 दिन की है। तो 10 दिन हम माता के 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करेंगे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, वो प्रतिपदा तिथि के दिन अर्थात 6 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर 7:26 तक का है, और दूसरा मुहूर्त है सुबह 11 से 12 तक, जो की अभिजीत मुहूर्त है। इन दोनों मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि क्या 10 महाविद्या, जैसे कि माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ कमला, इस तरह से जो 10 महाविद्याएं हैं, क्या उनकी अलग अलग तस्वीर रखकर ही हम पूजन अर्चन कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जन साधारण के लिए, हम गृहस्थ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, आप गुप्त नवरात्रि की पिछली वीडियो यदि देखेंगे तो मैंने बताया है कि जो 10 महाविद्या हैं, ये माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ पार्वती का ही स्वरूप है, उन्हीं की ये 10 महाशक्तियां हैं। तो यदि हम माता दुर्गा जी की, माता भगवती जी की तस्वीर रखकर इस गुप्त नवरात्रि में पूजन अर्चन करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो इससे हमें संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। आपको अलग अलग महाशक्तियों की तस्वीर या चित्र या फोटो रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
अब देखिए, जहां तक मंत्र साधना की बात आती है तो हम जन साधारण लोग जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी के 108 नाम का जप कर सकते हैं, दुर्गा जी के 32 नामों का जप कर सकते हैं, या फिर दुर्गा सप्तशती में माता के सिद्ध मंत्र दिए हुए हैं जो कि अत्यंत ही प्रभावशाली हैं और हर प्रकार की कामनाओं को, हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो उन मंत्रों को आप जप सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता हो, जैसी आपकी मनोकामना हो, उस हिसाब से आप उस एक मंत्र को ले लें और प्रतिदिन जितना आप जप कर पाए, या तो संकल्प ले लें या तो फिर आप जितना भी जप कर पाए, एक माला, दो माला, पांच माला, आप इस तरह से प्रत्येक दिन आपको करना है और आप देखेंगे इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप चाहें तो अंतिम दिन हवन इत्यादि करके, जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में कन्या भोज इत्यादि कराते हैं, तो उसके निमित्त आप दान दक्षिणा ले जाकर आप किसी मंदिर में या कहीं भी दे सकते हैं। देखिए, इस बार 6 जुलाई से 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि है, पूरे 10 दिन की। 6 जुलाई को प्रतिपदा तिथि है जिसमें माँ काली जी की पूजा होगी। द्वितीया तिथि 7 जुलाई माँ तारा जी की पूजा होगी। तृतीया तिथि माँ त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा होगी। चतुर्थी तिथि 9 जुलाई को माँ भुवनेश्वरी जी की पूजा होगी। पंचमी तिथि 10 जुलाई माँ छिन्नमस्तिका जी की पूजा होगी। षष्ठी तिथि 11 जुलाई माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना होगी। सप्तमी तिथि 12 जुलाई माँ धूमावती जी की पूजा अर्चना होगी। अष्टमी तिथि 13 जुलाई माँ बंगलामुखी की पूजा अर्चना होगी। नौमी तिथि 14 जुलाई माँ मातंगी की पूजा अर्चना होगी और दसवीं तिथि 15 जुलाई को माँ कमला जी की पूजा अर्चना हम करेंगे। अब देखिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कलश स्थापना करके पूजन अर्चन करती हैं या फिर साधारण रूप में पूजा अर्चना करती हैं। दोनों ही रूप में आप कर सकती हैं, लेकिन बात केवल यहाँ पे इतनी है कि हमें गुप्त तरीके से करना है और जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी सिद्धि के लिए, जिस भी इच्छा के लिए आप माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसे भी आपको गुप्त ही रखना है। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि जैसा कि गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से तंत्र साधनाएं की जाती हैं, जो 10 महाविद्या हैं उनके मंत्रों के द्वारा बहुत सारी तंत्र साधनाएं की जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये भी आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो हम गृहस्थ लोग हैं, जो हम जन साधारण लोग हैं, हमारे लिए ये कर्मकांड या तंत्र साधनाएं बिल्कुल नहीं बनी है। हमारे लिए केवल पूजा अर्चना, आरती, नैवेद्य, भोग प्रसाद, मंत्र जप हमारे लिए है। तो देखिए, कभी भी कोई भी आपको ये बात कहे कि आप बहुत परेशान है या फिर कोई भी आपको दिक्कत है, आप अपनी जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपको कोई कहे कि आइए हम आपके घर में इस तरह से गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना कर देते हैं, यह कर्मकांड कर देते हैं, आपको लाभ होगा, तो आप बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े। मैं बिल्कुल ही आगाह अपने सभी भाई बहनों को करना चाहती हूँ, ये सारी चीजें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं और बहुत ही विद्वान या बहुत ही जानकार लोग इसे कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आधी जानकारी उनको है और इस तरह से लोगों को बहला फुसला कर, उनकी परेशानियों का फायदा उठाकर उनसे पैसे भी लेते हैं और उनके घर में इस तरह से कोई तांत्रिक कर्मकांड कर देते हैं, ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे उन्हें और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसकी काट फिर जल्दी नहीं मिल पाती है। तो आप सीधे से ये बात समझिए कि हम कितनी भी परेशानी में घिरे हों, भगवान के चरण से ज्यादा उत्तम स्थान और कहीं दुनिया में नहीं है। वहीं पे आपको शांति मिलेगी, वहीं पे आपको सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, वहीं पे आपके दुखों का अंत होने वाला है। तो आप जिस भी भगवान, जिस भी माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी चरणों में तन मन धन से समर्पित हो जाइए। और सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली चीज है हमारे लिए, हम गृहस्थ लोगों के लिए, वो है मंत्रों का जप। मंत्र जप कीजिए, नाम जप कीजिए, उनसे विनती प्रार्थना अपने अनुसार, मतलब अपने तरीके से आप कीजिए, वो जरूर सुनेंगे, माता रानी जरूर सुनेंगी, भगवान जी जरूर सुनेंगे। आप किसी ऐसे तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि अन्य लोग आकर आपके घर में कुछ ऐसा कर्म कांड करें जिससे कि आपको और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ जाए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि इस गुप्त नवरात्रि में आप कोई पूजा करवाना चाहते हैं, जैसे कि सत्चंडी यज्ञ इत्यादि आप करवाना चाहते हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये आप विद्वान पंडितों के द्वारा, तांत्रिक से नहीं, विद्वान पंडितों के द्वारा, 5 पंडित, 7 पंडित, 9 पंडित, इस तरह से बैठकर आपके घर में 9 दिनों तक, 7 दिनों तक सत्चंडी यज्ञ का आयोजन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं अपने घर में, लेकिन कोई भी
तांत्रिक साधना के चक्कर में या इस कर्मकांड के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा। अपने तरीके से आप पूजन अर्चन कीजिए, अपने निर्मल भाव से माता रानी को स्वयं को समर्पित कर दीजिए और देखिए चमत्कार तो होना ही होना है, बिल्कुल कोई इसे टाल नहीं सकता है। तो इसलिए गुप्त नवरात्रि में इस बात के लिए भी मैं आप लोगों से आगाह करना चाहती हूँ। और इस तरह से 6 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई तक ये गुप्त नवरात्रि चलेगी। यदि आप कोई संकल्प लेकर मंत्र जप कर रहे हैं किसी मनोकामना के लिए तो ध्यान रखिएगा, अपनी सात्विकता शुद्धता को बनाए रखिएगा। मतलब लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का सेवन या ब्रह्मचर्य का पालन, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। जिस तरह से हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं तो ये सारी चीजें करके आप अपने मंत्र को जप सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं और दुर्गा जी के मंत्रों का जप करके आप अपनी कोई भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि प्रकट नवरात्रि से भी ज्यादा फल हमें, शीघ्र लाभ हमें इस गुप्त नवरात्रि में मिलता है यदि हम पूरे श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करते हैं। तो ये सारी जानकारी थी आप लोगों के लिए, और भी कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।